आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई आज की वीडियो बहुत ही दुख भरी है। थंबनेल पे देख ही लिया होगा, मेरी जो फैंसी कबूतरी थी ब्लैक एंड वाइट, उसको कल कुत्ते ने खा लिया। वो भी यार कुत्ते का निवाला बन गई है। मुझे देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने अंडा भी दे रखा है और बस मेरा चेतक भी अकेला रह गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार, बहुत जी दुखी हो रहा है और मन ऐसा कर रहा है उस कुत्ते को बहुत मारूँ यार। यहाँ पे 4-5 कुत्ते हैं। मैं अब अपनी छत पे आया हूँ कबूतरों को खोलने। 2:30 बजे का टाइम है। इस टाइम ही मैं अपने कबूतरों को दाना पानी करता हूँ। पहले कबूतरों को दाना पानी करता हूँ और फिर मैं आपको उस जगह लेके चलूँगा जहाँ पे कुत्ते ने बैठ के कबूतरी को कल अपना खाना बना लिया। वीडियो को पूरी देखना यार, और मेरी ब्लैक एंड वाइट कबूतरी के लिए दुआ करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले। वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने फैंसी जो कबूतर था उसका जोड़ा था मैं इसमें बंद करता था, और आजकल मैं ये फट्टा लगा रहा हूँ आगे से, और देखो मेरा चेतक यहीं पे है। चेतक बिल्कुल अकेला पड़ गया ये देखो। और भाई 3-3 अंडे मैं इससे सिखवा रहा हूँ। सबसे खुशी की बात ये थी, क्योंकि ये कबूतर बहुत बड़ा है तो इसलिए 3 अंडों पर आराम से बैठ जाता है। लेकिन अब अंडे तो यार ये सहेगा नहीं, अब देखना है इन अंडों का क्या करना है। बहुत ही प्यारा कबूतर है, मैंने इसका नाम चेतक रखा हुआ है। ये देखो कितनी आसानी से 3 अंडों को सेक देता है ये। चलो मैं आपको कल की घटना बता देता हूँ कल क्या हुआ। ये देखो इस तरह से मेरे यहाँ कबूतर खुले रहते हैं, ये आराम से घूमते हैं फटफटाते हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कबूतरी कल कैसे निकली यहाँ से, उसके पर बंधे हुए थे। वैसे तो वो बहुत तेज तर्राक थी, तो कभी कभी मेरे कबूतर घूमते घूमते यहाँ पे आ जाते हैं। तो सामने का जो फ्रंट एरिया है वो बिल्कुल खाली है, और मुझे लग रहा है कबूतरी यहाँ बैठी थी और यहाँ से निकल के ऐसे फ्रंट को उधर चली गई। इधर काम वाम चलता रहता है, तो पता नहीं उन लोगों की भी नज़र नहीं पड़ी जहाँ पे वो सामने काम चल रहा है ना, कबूतरी वहीं आसपास, कुत्ते ने आराम से बैठ के खाया उसको। और जैसे ही मुझे मम्मी ने बुलाया मैं नीचे चला गया, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन जब मैं कबूतरों को बंद करने लगा तब देखा मैंने कबूतरी कहाँ है, तो मैंने इधर उधर ढूँढा, कहीं दिखाई नहीं दी। तो फिर मैंने देखा उधर कुत्ते खा रहे हैं उसको बैठ के, तो मैं गया फटाफट से उधर। जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला, ये पेड़ है और यहाँ पे बैठ के कुत्ते ने उसको आराम से बैठ के खाया। और जैसे ही मैं गया तो उसने तब तक उसको पूरा फिनिश कर दिया था। अभी मैं आपको उस जगह पे भी ले चलूँगा, और मैंने उसे कैसे पहचाना ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इनको दाना पानी कर देता हूँ और फिर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर ज़िंदगी का उसकी आखिरी दिन था कल। देखो भाई मैंने इनको दाना डाल दिया है, खा रहे हैं बड़े आराम से, भूखे थे। मैं इनको हमेशा गर्म पानी पिलाता हूँ, तो गर्म पानी मैंने नीचे गैस पे रखा हुआ है, लेकिन पानी मैं बाद में रखूँगा जब तक ये दाना भी खा लेंगे। पहले उस जगह पे चलते हैं। तो मैं बाहर आ गया हूँ और ये मेरा घर है। ऊपर 2 मंजिल पे कबूतर हैं, और जो ऊपर वाली मंजिल आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने बताया था कि फ्रंट से यहाँ से शायद निकली है वो, तो वहाँ से जो ये हंडिया दिखाई दे रही है वो ऐसे आई है और ऐसे आके यहाँ पे गिर गई वो, क्योंकि उसके पर बंधे हुए थे। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, जब मैंने पूरे प्लॉट व्लॉट सब छान मारे तो मेरी नज़र इधर पड़ी। मैं उसको देखने आया कन्फर्म करने के लिए, तो मुझे पता लगा कि हाँ यही मेरी कबूतरी थी। ये देखो कैसे पर फैले हुए हैं, और भाई यहाँ पे बैठ के कुत्ते ने उसको आराम से खाया है। ये देखो कुछ भी नहीं छोड़ा यार, कुछ भी, मैं उसका चोंच सिर कुछ नहीं, पंजे तक खा गए यार, कितने कमीने कुत्ते हैं ये। मेरा बहुत मन परेशान हो रहा है, ये देखो सब खा दिया उन्होंने। और ये बाजू के पर है, पता मैंने किस लिए पहचाना, देखो ये पर बंधे हुए हैं, बस इन बंधे हुए परों ने उसकी जान ले ली यार। और इस ये पर जो बंधे हुए हैं इन्हीं से मैंने उसको पहचाना है। देखो एक पर ये पड़ा इधर, ये भी बंधा हुआ है, ये दोनों पर बंधे हुए हैं। देखो कैसे नोच नोच के खाया हुआ यार, बड़ा जी दुखी हो रहा है। काश उसके पर खुले होते तो शायद वो उसके हाथ ना आती, या शायद मम्मी ना मुझे बुलाती तो आज वो ज़िंदा होती। मैं सोच रहा था उसकी पीढ़ी आगे चलती रहेगी तो बहुत सारे फैंसी कबूतर मेरे पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखो भाई
मैं सोच रहा था कि उसको दफनाऊंगा, लेकिन मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उसको दफना सकूं। और बस अब पछताने से कुछ नहीं होगा, वो ऊपर मेरा घर है। ये आपको ये वाला पोर्शन, यहाँ से भी एक दो बार कबूतर गिरे हैं, और यहाँ ये जो प्लॉट खाली पड़े हैं यहाँ पे सब कुत्ते घूमते रहते हैं भाई, तो इसलिए मैं अपने सारे कबूतरों को मैंने परंद कर दिया है। चलो घर वापस चलते हैं। वापस आ गए हैं छत पे, ये देखो सारा दाना इन्होंने ख़त्म कर दिया और अब इनको पानी की प्यास लगी है। और मेरे यहाँ ब्रीडिंग प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, कबूतरियों ने अंडे वगैरह निकाल रखे हैं, तो मैं उनको कैल्शियम सिरप, तो मैं ये अपने कबूतरियों को और कबूतरों को सबको पिलाता हूँ। मैंने प्लेन बोतल में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ कि ब्रीडिंग पे जब कबूतरियाँ आ जाती हैं तो उन्हें कैल्शियम पिलाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। दो ढक्कन भर के मैं इसमें डाल देता हूँ पानी में, भगोने में डाल दिया। पानी ज़्यादा गर्म तेज़ गर्म नहीं करना, सिर्फ इतना करना है जिससे वो पी पाए गुनगुना। कहने का मतलब है कि पानी की ठंड उतर जानी चाहिए, ठंड बहुत है। इसको भाई किसी लकड़ी की मदद से या किसी भी तरह से इसको पूरा मिक्स कर लें। देखो कबूतर यहाँ भी आ गए मेरे पास, पानी की प्यास लगी है ने। देखो खाली उस पर कितने कबूतर आ गए, ये देखो। अब देखो अभी ये पूरा कैल्शियम इनके अंदर गया और बहुत मन लगा के पीते हैं भाई गर्म पानी को। अगर आप अपने कबूतरों को सर्दियों में गर्म पानी नहीं पिला रहे हो तो आज से ही पिलाना शुरू कर दो। और भाई बस इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को आगे बढ़ा देना अपने यार दोस्तों पे। ठीक है भाई दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।